गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर। दिस वीडियो लेक्चर इज फॉर क्लास फोर स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास वी वर स्टडिंग चैप्टर वन इन इंग्लिश ग्रामर बुक। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बुक में चैप्टर वन पढ़ लिए थे, जिसका नाम कॉमन एंड प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्या है, जिसे मैंने आपको कल बताया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन मीन्स होता है कॉमन नेम। कॉमन नाउन का मतलब होता है कॉमन नेम, एंड प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेशल नेम। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, एज फॉर एग्जाम्पल डेज जो है वो कॉमन नेम है, कॉमन नाउन है। अगर डेज की बात हो रही है तो डेज क्या है, कॉमन नाउन है। एंड जैसे ही बोला जा रहा है कि मंडे मीन्स एक स्पेशल नेम है, तो स्पेशल नेम है तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मान लेते हैं कि हम मंथ का बारे में बोलते हैं, मंथ के बारे में, तो मंथ क्या है, कॉमन नाउन है, और जनवरी क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। और किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे किसू क्या है, प्रॉपर नाउन है। चलिए, ट्रेन अगर बोला जा रहा है तो ट्रेन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और जैसे ही बोला जाए गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलिए, पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए, अब हम मिलाते हैं कि कितने लोगों ने उसे कंप्लीट किया है। पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइजेज दिए थे, जो होमवर्क थे। तो एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5 मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो चलिए एक्सरसाइज 1 पहले देखते हैं। ठीक है, क्या है, रीड दीज वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई वेदर ईच इज अ पर्सन। 1 place 2 animal and bird 3 or thing 4 राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स नेक्स्ट टू द वर्ड। क्या करना है हमें कि पर्सन के लिए 1 लिखना है, प्लेस के लिए 2 लिखना है, एनिमल और बर्ड के लिए 3 लिखना है, और थिंग के लिए 4 लिखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। सबसे फर्स्ट क्या है, एथलीट है। एथलीट मीन्स एक पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जो गेम खेलता हो, इसको स्पोर्ट्स पर्सन भी बोलते हैं। तो एथलीट के लिए क्या हो जाएगा, 1। स्कूल क्या है हमारा, प्लेस है, प्लेस के लिए क्या हो जाएगा, 2। सूच क्या है, सूच थिंग है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 4। जेब्रा क्या है, जानवर, तो जानवर के लिए क्या हो जाएगा, 3। स्पैरो क्या है, पक्षी है, बर्ड है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 3। प्लेग्राउंड क्या है, एक स्पेस है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद आते हैं विलेज है ना, तो विलेज क्या है, एक स्पेस है, तो स्पेस के लिए, स्पेस मीन्स प्लेस है, तो प्लेस के लिए क्या हो जाएगा, 2। ईगल क्या है, बर्ड है, तो बर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 3। प्लांट क्या है, प्लांट एक लिविंग थिंग है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 4। मिल्कमैन क्या है, मिल्कमैन के लिए क्या हो जाएगा, मिल्कमैन एक आदमी होता है जो एक पर्सन है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1। अब देखते हैं हम लोग, उसके बाद क्या है, म्यूजियम क्या है, एक प्लेस है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2। किंगफिशर क्या है, किंगफिशर पक्षी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 3। विंडो क्या है, एक थिंग है, उसके लिए 4। गोरिल्ला एक एनिमल है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 3। सोल्जर जो होते हैं, एक होता है शोल्डर और एक होता है सोल्जर, तो शोल्डर मीन्स होता है कंधा, और सोल्जर मीन्स जो युद्ध करते हैं, तो युद्ध करने वाले सैनिक, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सोल्जर क्या है, एक सैनिक है, सैनिक एक पर्सन है, तो उसके लिए 1। ऑस्ट्रिच एक पक्षी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 3। पुलिसमैन क्या है, एक पर्सन, तो उसके लिए 1। पोस्ट ऑफिस एक प्लेस है, तो उसके लिए 2। बोर्ड एक थिंग है, तो उसके लिए 4। लायर किसको बोलते हैं, जो एक वकील होते हैं उन्हें लायर बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1। क्लिनिक एक प्लेस है, तो 2। बाथरूम एक प्लेस है, तो 2। टेलीफोन एक थिंग है, तो उसके लिए 4। फ्लेमिंगो एक बर्ड है, तो उसके लिए 3। एक्टर क्या होता है, एक पर्सन होता है ना, तो इसके लिए 1। बोट एक थिंग है, तो उसके लिए 4। गॉट मीन्स बकरी क्या है, एक एनिमल है, तो 3। एग क्या है, एक थिंग है,
उसके लिए क्या हो जाएगा फोर। एक जो है कह सकते हैं कि एक क्या है, एक सेल भी है, एक तो ये सेल भी एक थिंग है तो इसके लिए फोर। मार्केट एक प्लेस है तो उसके लिए टू। क्लाउन, क्लाउन मीन्स होता है चापलूस, तो चापलूस जो चापलूसगिरी करता है उसके लिए वन, एक पर्सन हो सकता है वो चापलूस के लिए। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट चेक का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स, यूज द प्लूरल फॉर्म्स वेयर एवर नेसेसरी। इसे मैंने आपको बोला था कि इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए है। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। सिंगुलर मीन्स सिंगल, एक, और प्लूरल मीन्स दो, दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो उसे प्लूरल बोलते हैं। तो किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए नाउन के लास्ट में एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, एस या ई एस लगाते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल ही होते हैं। तो पीपल हमारा क्या है, एक, पीपल मीन्स होता है लोग, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। और चाइल्ड, चाइल्ड क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो सिंगुलर फॉर्म को जब चाइल्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें चिल्ड्रेन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले क्या है, ये किस चीज़ का इमेज है, शर्ट का इमेज है, तो दो शर्ट है ना, तो क्या हो जाएगा शर्ट। शर्ट लिखने के बाद एस या एस लगाते हैं तो एस लगा देंगे शर्ट्स। एंड ये क्या है, अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला लिखने के बाद एस लगा देंगे तो अम्ब्रेलाज, ठीक है। तो शर्ट्स एंड अम्ब्रेलाज आर टेकन आउट ऑफ द कपबोर्ड ऑन अ रेनी डे। अब देखिए ये क्या है, एक कार भी है या फिर टैक्सी भी बोल सकते हैं, तो कार एक ही है ना, तो कार लिख सकते हैं या टैक्सी लिख सकते हैं। गो सूस, सूस मतलब होता है सड़क करके जाना, ऑन द रोड, रोड पे होता है ना। मेनी ओल्ड, देखिए अब यहाँ पे दो लोग हैं तो मेनी ओल्ड पीपल डोंट लाइक रेन, बट ये देखिए कहने के लिए अगर सिर्फ बॉयज रहता तो बॉयज लिख सकते, लेकिन यहाँ बॉयज नहीं है, बॉयज के साथ साथ गर्ल भी है, तो क्या हो जाएगा, बट चिल्ड्रेन मेक, ये क्या है, बोट है, तो बोट्स एंड फ्लोट देम इन पडल, आई लाइक टू कर्ल अप इन माई बेड ऑन अ रेनी डे, ठीक है। तो आपको ये वन और टू एक्सरसाइज में वन और टू क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और फ्यू वर्ड्स, एंसर देना है क्वेश्चन को एक वर्ड में या फिर कुछ शब्दों में। देखिए, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम और सर नेम ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट नेम क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट नेम होता है वो फर्स्ट नेम होता है कि जैसे मेरा नाम है मुकुल कुमार, तो जो मेरा फर्स्ट में जो आया वो फर्स्ट नेम हो गया, और जो कुमार है वो मेरा जो लास्ट में जो होता है वो सरनेम होता है। तो मेरा लास्ट में कुमार है तो मेरा सरनेम क्या हो गया, कुमार। तो व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, अपना अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे सभी लोग। व्हाट इज योर सरनेम, अपना अपना सरनेम लिखेंगे, जैसे किसी का सिंह होगा, किसी का यादव होगा, किसी का कुछ होगा, जो होगा उनको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो विच स्कूल डू यू गो टू, किस स्कूल में आप लोग जाते हैं, तो अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, आनंद इंटरनेशनल स्कूल पटना। फिर बताइए, विच सिटी डू यू लिव इन, किस सिटी में आप लोग रहते हैं, पटना में रहते हैं तो पटना। व्हाट इज द नेम ऑफ योर लोकेलिटी, लोकेलिटी मीन्स होता है लोकल एरिया, आपके जो लोकल एरिया होते हैं उन्हें लोकेलिटी बोलते हैं। तो हमारा लोकल एरिया पोस्टल पार्क है, तो आपका जो लोकल एरिया है, किसी का जकरियापुर होगा, किसी का नंदलाल छपरा होगा, किसी का रामकृष्णा नगर होगा, इसका जो लोकल एरिया होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, अपने कंट्री का नाम लिखेंगे, जी में क्या है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया का कौन है, तो गंगा है, हमेशा याद रखिएगा, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, गंगा है, जो 2525 किलोमीटर है, लंबी है, ठीक है। तो 2525 किलोमीटर लंबी है, तो सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा नदी है। इससे भी लंबी नदी है ब्रह्मपुत्रा, लेकिन वो इंडिया में 916 किलोमीटर ही चलती है, 916 किलोमीटर ही चलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या हमारा, एच, नेम अ फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, मॉन्यूमेंट मीन्स होता है धरोहर, जो बना हुआ बिल्डिंग जो होता है, जो जिस पे सरकार का अधिपत्य हो, जो देखने लायक हो। तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं इंडिया में, जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला, रेड फोर्ट, गोलघर, बहुत सारे हैं। तो हमने यहाँ पे गोलघर अपना नाम लिखा है, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज इस क्लास में एक्सरसाइज वन टू और थ्री आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आप इस चैप्टर के फोर और फाइव को आप बना करके रखेंगे, ये आपको होमवर्क हो गया, फोर और फाइव, ठीक है, कंप्लीट।
ओके।